आरडीएफ ते फिर गरारी तेना किते पंजाब ना वितकरा कीता जा रहा है केंद्र मुड़ इनकारी केंद्र दे खिलाफ कड़वाहट नहीं फैलानी चाहिदी ते तुसी गुजरात तो एमसीडी तो वेले होयोगे ते सेंटर ना को गल करो सारी कबीना भगवंत मान समेत ते एमएलए समेत ते 2 महीने दी गुजरात दे विच पेंडू विकास दे सियासत भारी केंद्र ने एक बार मुड़ तो पंजाब नू आरडीएफ देन तो पासा वट लिया। मुख्यमंत्री भगवंत मान ता खुद केंद्र नू भरोसा दे के आए सन कि फंड दी दुर्वरतों नहीं होवेगी, इत्थों तक कि एक्ट च सोध भी करवा दित्ती, पर अजे भी केंद्र फंड जारी करन तो इनकारी है। फंड देन दी थां सलाह जरूर दित्ती है, चिट्ठी च लिखिया है तुहानू अपील कीती जांदी है कि गरीब तबके लई कौमी खुराक सुरक्षा एक्ट अते होरना समाजिक स्कीमा तहत फसल दी जो खरीद हुंदी है उसते चार्जस कटाउन ते विचार कीता जावे। अजिहा करन नाल ना सिर्फ सरकारी खजाने ते सबसिडी दा बोझ घटेगा बल्कि निजी खरीदार भी फसल उच्चे रेट ते खरीदन लई प्रेरित होणगे, जिस नाल पंजाब दे किसानां नूं ही फायदा पहुंचेगा। ए जवाब मुख्यमंत्री वल्लों जुलाई ते अक्तूबर महीने भेजियां चिट्ठियां बदले आया। पहला जान लो कि केंद्र वल आरडीएफ दा किन्ना बकाया खड़ा है। पिछले 3 सीजन तो आरडीएफ दा फंड जारी नहीं होया, जिस च सौणी सीजन 2021 दा 1110 करोड़, हाड़ी सीजन 2022 दा 650 करोड़, सौणी सीजन 2022 दा 1120 करोड़, यानी कुल 2880 करोड़ दा आरडीएफ पेंडिंग है। पर फंड जारी करन दी थां केंद्र पंजाब सरकार नूं किसानां दे हितां दा हवाला दे चार्जस घटाउण दी सलाह दे रिहा है। सानूं इह लगदा है हजे भी केंद्र दे दिमाग च किते ना किते पंजाब दे प्रति सुतेला जिहड़ा आपां है ना उह प्रतीत हो रहा। ईवन इह भी आपां नूं जानकारी आ भी पंजाब दा मंडीकरण जिहड़ा आ उह देश च सब तों उपर है और इहदे नाल सिद्धा सिद्धा मंडीकरण दा जिहड़ा ढांचा उह प्रभावित हुंदा है। तो मंडीकरण का ढांचा ही एंटी फार्मर बिल के नाल मोदी साहब प्रभाव खत्म करना चाहते सी। सो ये एक ना कितने पंजाब नाल वितकरा किया जा रहा है जिहदा असी विरोध करते हैं और फिर सेंटर नूं कहने हैं भी जल्दी तो जल्दी रूरल डिवेलपमेंट फंड रिलीज़ किया। आरडीएफ दा रौला कैप्टन सरकार वेले तो चल रहा है। केंद्र ने फंड दी दुर्वरतों दे इल्जाम लाउंदिआं इस ते रोक लगा दित्ती सी। हालांकि जदों सत्ता च मान सरकार आई तां खुद मुख्यमंत्री भगवंत मान केंद्रीय मंत्रियां नाल मुलाकात कराए, भरोसा दित्ता कि फंड दी दुर्वरतों नहीं होवेगी। पर हुण जदों मान सरकार दीआं तमाम कोशिशां दे बावजूद केंद्र ने फंड जारी करन तों पासा वटिआ तां विरोधी सरकार दीआं कोशिशां ते ही सवाल उठा रहे ने। रूरल डिवेलपमेंट फंड दे लई पंजाब सरकार ने जो कायदे कानून ने भारत सरकार दे क्योंकि वो फॉर्मेलिटीज जो पूरियां करनियां ने वो पूरियां नहीं हुईयां क्योंकि पिछलियां सरकारां जिहड़ियां सी उहदे च वी कैप्टन अमरिंदर दी सरकार ने चरणजीत चन्नी दी कांग्रेस सरकार ने वो फॉर्मेलिटीज नहीं पूरियां कीतियां सी, इस करके 3 किश्तां रुकियां होईयां ने। कोई सेंट्रल मिनिस्टर या भारत सरकार अपनी मर्जी नाल उस पैसे नूं नहीं दे सकती, वो फॉर्मेलिटियां पूरियां होणगियां फिर ही दे सकते हैं। वो कायदे कानूनों का जरूर पालन होना चाहिए, केंद्र के खिलाफ कड़वाहट नहीं फैलानी चाहिए। ये कड़वाहट नाल काम नहीं चलते ना सरकारां चलदियां और ये आचरण आम आदमी पार्टी ने अपना दुरुस्त करना पैना। तुसी गुजरात तो एमसीडी तो वेले होयोगे तो सेंटर नाल को गल करो। फाइनेंस मिनिस्टर मैं पूछना चाहना किदण जाके तुसी फाइनेंस मिनिस्टर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नूं मिले, सीतारमन जी नूं तुसी गल कीती है, या रूरल डिवेलपमेंट मिनिस्टर जिहड़े ने इस महकमे दे तुसी पर्सनली जाके उन्हां नाल कोई गल कीती है? सारी कबीना भगवंत मान समेत ते एमएलएआं समेत ते 2 महीनिआं दी गुजरात दे विच हुण इह सारा दा सारा बोरी बिस्तरा चुक के एमसीडी दी इलैक्शनां तुर चले ने। पंजाब दे मुद्दिआं दा इही हाल ही होणा जी, सूबे दा वी इह हाल होणा। दे विल सफर बिकॉज इह लोकां दी इंटेंशन ही राज करन दी है नहीं। सियासत खूब हो रही है पर आरडीएफ फंड जारी ना होने करके पेंडू विकास किवें होवेगा, इस सवाल खड़ा हो गया। तुहानू दस दिया कि आरडीएफ फंड है की अते किथे इस्तेमाल हुंदा है। पेंडू विकास देहाती एक्ट 1987 दे तहत एक बोर्ड बनाया गया सी। इस बोर्ड नू फंड फसल दी विक्री तो आए पैसियां तो मिलदा है। पंजाब सरकार फसल दी विक्री ते केंद्र तो 3% आरडीएफ वसूलदी है। आरडीएफ दा पैसा पेंडू इलाकियां दे विकास ते खर्च हुंदा है। खराब फसल दा मुआवजा, फसल भंडारण, लिंक रोड दी उसारी सने कई कम्मां लई आरडीएफ फंड दा इस्तेमाल कीता जांदा है।
ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਫੰਡ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਸਨ ਤਾਂ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਦਿਹਾਤੀ ਐਕਟ ਚ ਹੀ ਸੋਧ ਕਰ ਭਰੋਸਾ ਦਵਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਫੰਡ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਸਿਰਫ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਬਾਵਜੂਦ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਭਾਰੀ ਪੈਂਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।